Just a minute. Let me open another part. Just a minute. The Java programming language provide a special method that is called as the RA copy method. The RA copy method is used for copy the RA element from one array to the another array. Ek array se copy karke dusra array mein store hoga. To aap specific element ko bhi copy kar sakte ho. जैसे कि int my array is a source array, it is store 1, 2, 3, 4, 5, 6. Another it contain a hold array, it contain 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It is a two array we define. Now मैं copy कैसे करूँगा? System dot array copy method. The array copy method is used to copy the array element from one array to the another array. तो कहाँ से मैं copy करूँगा? My array से copy करूँगा. कौन सा location से copy करूँगा? Zero location से copy करूँगा. Paste करूँगा कहाँ पर store करूँगा? Hold array में store करूँगा. Hold array का किस position में मैं store करूँगा? Zero position में मैं store करूँगा. अप टू व्हिच एक्सटेंट, कहां तक स्टोर करूंगा? आरे का जितना लेंथ है, मतलब पूरा एलिमेंट स्टोर होगा कहां पर? होल्ड आरे में. तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 3, 2, 1. वो ओवरराइड हो जाएगा आरे. अगर माई आरे का सपोज मैं वन इंडेक्स से कॉपी करूंगा, जीरो इंडेक्स मतलब यहां से कॉपी हो रहा है, मैं वन इंडेक्स से कॉपी करूंगा, तो यहां पर अगर आप माई आरे डॉट लेंथ लिखोगे यहां पर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप यहां से कॉपी कर रहे हो, मतलब एक आगे चले गए हो, यू आर गोइंग अहेड वन. तो यहां पर क्या होगा? माई आरे लेंथ माइनस वन. तो लेंथ माइनस वन यहां पर लिखना पड़ेगा. लेंथ माइनस वन लिखने से क्या होगा ना, ये आपको प्रिंट करेगा, यह ऐसे प्रिंट करेगा 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अगर आप एक आगे जाते हो तो लेंथ माइनस वन लिखा जाएगा. फिर होल्ड आरे का जिस पोजीशन में आप चाहते हो लिख सकते हो. सपोज होल्ड आरे का टू पोजीशन में मैं स्टोर करना चाहता हूं. होल्ड आरे मतलब इस आरे का दो पोजीशन में मैं पेस्ट करूंगा, मतलब 0, 1, 2 इस पोजीशन में
पेस्ट करूंगा। माई आर ए का किस पोजिशन में कॉपी करूंगा, माई आर ए का सपोज यहां से कॉपी करूंगा, तीन से कॉपी करूंगा, तो मैं कितना आगे चला गया, आप दो आगे चले गए, दो आगे चले गए मतलब यहां पर लिखना पड़ेगा माई आर ए लेंथ माइनस टू, क्योंकि आप दो स्किप कर गए। अगर आप माई आर ए लेंथ लिखोगे तो पूरा कॉपी कर लेगा, तो यहां पर लिखना पड़ेगा लेंथ माइनस टू बिकॉज आप दो आगे चले गए हो। तो यहां पर पेस्ट होगा कहां पर, 012 लोकेशन में पेस्ट होगा। आपका रिजल्टेंट क्या आएगा ना, 10 9 3 4 5 6 देन 4 3 2 1 क्लियर। अंकिता अभिषेक सर प्लीज डू। हाँ, माई आर ए से डाटा मैं कॉपी करूंगा, होल्ड आर ए में मैं पेस्ट करूंगा, माई आर ए से कॉपी करके होल्ड आर ए में मैं स्टोर करूंगा। ओके, तो माई आर ए से जब मैं कॉपी करूंगा तब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 यहां से कॉपी होगा। ओके, तो माई आर ए का कौन सा इंडेक्स में मैं कॉपी करूंगा, 0 इंडेक्स से मैं कॉपी करूंगा, मतलब पहले से कॉपी करूंगा, तो यहां पर मैंने पास किया 0। पेस्ट करूंगा कहां पर, कहां पर स्टोर करूंगा, होल्ड आर ए में मैं स्टोर करूंगा। होल्ड आर ए का कौन सा लोकेशन में मैं स्टोर करूंगा, 0 लोकेशन में मैं स्टोर करूंगा। तो कितना तक मैं कॉपी करूंगा, फास्ट आर ए का कितना वैल्यू में कॉपी करूंगा, मतलब पूरा वैल्यू में कॉपी करूंगा, इसलिए मैंने पूरा लेंथ दे दिया। आर ए का लेंथ कितना है, 6 टो, तो एक पूरा 6 एलिमेंट यहां पर स्टोर हो जाएगा। आपको दिखाएगा 1 2 3 4 5 6 4 3 2 1 ओके, द क्लियर। जो पहले मतलब माई आर ए का जो चीज है वो स्टोर कर दिया, और जो होल्ड आर ए में जितना तक था वो रहेगा, वो ओवर राइड हो जाए। कॉपी का मतलब क्या है, एक्सटेंड नहीं होगा क्योंकि आर ए का लेंथ फिक्स है। ओके, अभी सपोज मैं माई आर ए का 1 इंडेक्स से कॉपी करूंगा, मतलब यहां से कॉपी करूंगा, 0 से कॉपी किया था, अभी 1 से कॉपी करूंगा। 1 मतलब क्या है, लेंथ माइनस 1 होगा, क्योंकि यहां से और 5 एलिमेंट बचा है, 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट बचा है। मैं एक आगे चला गया, एक आगे चला गया मतलब यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा लेंथ माइनस 1। ओके, तो यहां पर लेंथ माइनस 1 होगा। तो पेस्ट सपोज मैं कहां करूंगा, होल्ड आर ए का 2 इंडेक्स मतलब 0 1 2 यहां से कॉपी करो, यहां से पेस्ट होगा। तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, 10 9 2 3 4 5 6 3 2 1 अभिषेक बुझे ला, अंकिता नो सर मुझे पढ़ने में देखो जरूर। So I am passing the array, A is equals to 1 2 3 4 5 okay. And B array 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Okay, now I want to copy from make A array का element copy करके B array में store करूंगा। Okay, A element का array copy करके B element में store करूंगा।
तो मैं क्या लिखूंगा इधर, सिस्टम डॉट आरए कॉपी मेथड, सिस्टम डॉट आरए कॉपी मेथड, ओके। तो मैं कहां से कॉपी करूंगा, ए आर ए से कॉपी करूंगा, ओके। ए आर ए का कौन सा इंडेक्स से मैं कॉपी करूंगा, जीरो लोकेशन से कॉपी करूंगा, तो जीरो दे दिया। कहां पर पेस्ट करूंगा, बी आर ए में पेस्ट करूंगा। बी आर ए का कौन सा लोकेशन में मैं पेस्ट करूंगा, जीरो लोकेशन में पेस्ट करूंगा। ए आर ए का कितना वैल्यू तक मैं पेस्ट करूंगा, ए डॉट लेंथ, ए डॉट लेंथ। तो अगर मैं ए पास करता हूं, मेरा आउटपुट क्या आएगा, तो वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, यहां तक चला है। देन अगेन फाइव फोर थ्री टू वन, मतलब यहां तक ए वैल्यू, ए स्टोर हो गया, 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 और जितना ए बचा है फिर फाइव थ्री टू वन ऑटोमेटिक रह गया। क्लियर अंकिता? यस सर। नाउ व्हाट हैपेंड, इफ आई कॉपी फ्रॉम वन इंडेक्स, मतलब मैं ए आर ए का वन इंडेक्स से कॉपी करूंगा, वन इंडेक्स मतलब यहां से कॉपी करूंगा, ओके। पेस्ट करूंगा कहां पर, बी आर ए का टू इंडेक्स में मैं पेस्ट करूंगा, बी आर ए का टू इंडेक्स, यहां से कॉपी करूंगा जीरो वन टू, ए हो गया टू इंडेक्स, यहां से यहां पर पेस्ट होगा। जैसे कि आप देख रहे हो ए आर ए का मैं वन इंडेक्स, मतलब एक में आगे चला गया। अगर मैं एक आगे चला जाता हूं तो यहां से कितना एलिमेंट बचा है, वन टू थ्री फोर, फोर हो गया, लेकिन लेंथ लिखने से ये पूरा रिप्रेजेंट करता है फाइव। तो जैसे कि मैंने एक आगे चला जा रहा हूं तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, लेंथ माइनस वन लिखूंगा इधर। I have to pass here length minus one. Sir, till जो करो नहीं। Low हो गया अभी। दिखाई दे रहा है? तब low है इस चीज़ का। आया अभी अंकिता चला है भाई? नो सर, ये लास्ट पर प्रॉब्लम आ रही है। नाउ चेक, नो सर, ब्लॉर आछे सर बहुत। जस्ट अ मिनट। बैंडविड्थ प्रॉब्लम। सर जियो फाइबर लगांदु। जियो फाइबर आसिल आया आगे। अंकिता नाउ क्लियर? ये सर क्लियर आस्ते ला पुणी अबे ठीक चला गया रेंडर। ओके सो आई विल शो दिस कॉपी मेथड अगेन, ओके, इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। तो नेम हाँ
क्लियर हुआ? यस सर, अभी क्लियर हुआ। सी देयर, माय पॉइंट इज व्हाट, नाउ आई वांट टू कॉपी फ्रॉम वन इंडेक्स, ए आर ए वन इंडेक्स, ओके। तो यहां से मैं कॉपी करूंगा, कहां पर पेस्ट करूंगा ना, बी आर ए टू इंडेक्स से। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैं एक आगे चला जा रहा हूं, जब मैं एक आगे चला जा रहा हूं मतलब यहां से कितना एलिमेंट बचा है, वन टू थ्री फोर। लेकिन मैं अगर लेंथ लिख दूंगा तो क्या होगा, स्टार्टिंग क्या हो चला आएगा, लेकिन यहां से अगर काउंट करेगा फाइव एलिमेंट नहीं है तो आपका एरर आएगा, एक्सेप्शन आएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया ना, यहाँ पर लेंथ माइनस वन लिख दिया। लेंथ माइनस वन लिखने से ये हो गया फोर, मतलब इतना एलिमेंट स्टोर करेगा। तो अभी आउटपुट क्या आएगा बोलो, अभिता फास्ट, व्हाट इट विल डिस्प्ले, टेल मी सर। 2 3 4 5 फास्ट इट इज शोइंग यू 10 बिकॉज वी आर स्टोरिंग फ्रॉम दिस पोजीशन। 10 9 आप कहां पर स्टोर कर रहे हैं, दो इंडेक्स 0 1 2, अभी स्टोर होगा 2 3 4 5, ओके। सो 2 3 4 5 यहां तक चला गया, तो फिर क्या क्या रहेगा ना, 4 3 2 1 क्लियर अंकित अभिषेक? यस सर, यस सर, यस सर। सागर? यस सर, यस, यस सर, यस सर। So it is a work of multi-dimensional RA copy method. So in tomorrow I will show you the programmatically how it is working and other RA programming. Okay. So we end the session. Okay, now. Sir. Right. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir.